गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 5.4 करेंगे और 5.4 के अंदर आज की हमारी विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की। विधि से समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इससे पहले हमने गुणनखंड विधि से समीकरण को हल किया था और गुणनखंड विधि में क्या कर रहे थे, जैसे कि क्वेश्चन है तो 5x के ऐसे टुकड़े कर रहे थे, बाहरी पदों की गुणा की तो क्या हो रहा था, वो बराबर और जोड़ रहे थे, 5x माइनस का 5x आ रहा था। लास्ट में हमें दो गुणनखंड प्राप्त हो रहे थे, उनको हम जीरो के बराबर रख रहे थे और अक्ष का मान आ रहा था। आज करेंगे हम पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को सॉल्व। तो पूर्ण वर्ग विधि से देखो करेंगे तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था पूर्ण वर्ग विधि से अक्ष के गुणांक को इकाई करना है, यानी अक्ष के गुणांक को आपको क्या करना है, इकाई अर्थात एक बनाना है। क्या बनाना है, एक। देखो जैसे एक्स है वो 5 से क्या है, गुणा है। अब मैं कहूंगी एक्स को क्या बनाना, आपको एक बनाना है। और एक्स एक कब बनेगा, जब इसमें हम 5 का भाग दे देंगे। तो यहां पे एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमें क्या करना है, इकाई करना है ना, एक्स को इकाई नहीं करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई करना है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पे क्या है, 3। तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, यानी दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, इस साइड में 3 का भाग दे दिया, इस साइड में हमने क्या कर दिया, 3 का भाग दे दिया। अब सब अलग अलग लिख सकते हैं, 3x² / 3 लिख सकते हैं माइनस, 5x / 3 लिख सकते हैं प्लस, 2/3 = 0/3। क्यों, क्योंकि जब लघुत्तम लेंगे लघुत्तम आएगा 3, बाकी ऊपर वाले, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, x² - 5/3 x + 2/3 = 0 में हम 3 का भाग देंगे तो 0। अब अचर पद होगा, यानी पहली बात हमने इकाई बना दिया, दूसरा बिंदु क्या है, जो अचर पद है उसको हम कहां भेज देंगे, आगे भेज देंगे, x² - 5/3 x, और ये अचर पद आगे जाएगा तो -2/3। आए इतना समझ, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे, पूर्ण वर्ग विधि में अक्ष के गुणांक, अब देखो अक्ष का गुणांक क्या है, 5/3। अक्ष के गुणांक का आधा, अक्ष के गुणांक या अक्ष के गुणांक पहले लिख दो, क्या अक्ष का गुणांक 5/3, अक्ष के गुणांक 5/3 का, 5/3 का आधा, और आधा करने के लिए जैसा 2 का भाग देते हैं, जैसे मैं कहूंगी 100 का आधा, 25 का आधा, 10 का आधा, आधे का मतलब किसका भाग देंगे, 2 का, तो 5/3 का आधा क्या होगा, 2 का भाग दे देंगे, 5/3 कितना है, 5/3 का आधा, यानी अक्ष के गुणांक 5/3 का आधा कितना होगा, 5/6 का कृष्ण का वर्ग, और इसका वर्ग क्या होगा, 5/6 के स्क्वायर, वर्ग ये तो है ना, का वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यानी ये चीज है, इसको आप ध्यान में रखना, रखना नहीं है। देखो फिर से यहां पे अक्ष के गुणांक का आधा, अब अक्ष के गुणांक का आधा, आधा करने के लिए 2 का भाग कर देंगे, यानी ये आधा होगा, और इसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे, बस इतना करना है। इसका वर्ग क्या करेंगे, करेंगे और दोनों तरफ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो x² - 5/3 x जोड़ रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं किसको, x² के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं,
जोड़ रहे हैं, देख लो इस साइड में भी जोड़ दिया, इस साइड में भी जोड़ दिया, दोनों साइड में जोड़ दिया ना। फिर से देख लो ये 5/6 क्या है, ये 5/3 का आधा है और 5/6 का ये वर्ग है, और वर्ग को हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, जोड़ दिया। बाकी को देखो ये सेम बाय सेम ही है, सिर्फ दोनों को जोड़ दिया, इस साइड में भी जोड़ दिया, इस साइड में भी जोड़ दिया। अब इसको सोल्व करो। अब यहां पर देखो 1² - 2ab + d² हो रहा है। देखो यहां से क्या ले लेंगे, अक्ष किसका साइन है माइनस, यहां से क्या ले लेंगे 5/6 की स्क्वायर, यानी ये सर्वसमिका किसकी बनेगी, अक्ष माइनस 5/6 की स्क्वायर। आपको अक्ष देखना और लाघवफल उन दोनों को लेना है, यहां पे साइन देखने में किसका माइनस का प्लस का। अब यदि सोल्व करोगे इसको तो यही आएगा, जब इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा, करके देख लो। यानी ए माइनस बी की होल स्क्वायर, सिर्फ करके बता रहा हूं एक बार में, लिखना नहीं आपको। ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2a और b, 2 × 3 = 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 की स्क्वायर माइनस 5/3, देखो और एक्स मेरा इसको हम ये लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये किसकी सरल है, a माइनस बी की होल स्क्वायर। आगे वाले को सोल्व कर लो, 5 कितना होगा 25, 6 कितना होगा 36, और इसमें से क्या करना 2/3 हमें क्या करना है, घटाना एक्स माइनस 5/6 की स्क्वायर बराबर लघुतम कितना आएगा 36, 25 को किससे गुणा करेंगे 1 से माइनस 3, 2 को किससे करेंगे 12 से, क्योंकि 2 के नीचे कितना 3 और 36 से 3 का भाग देंगे तो 12। आसान है बड़ा थोड़ा बहुत, तो बहुत आसान है, करना कुछ भी नहीं है, बस 5/6 की स्क्वायर बराबर कैलकुलेशन है। 25 है ना, 25 माइनस 12 दूनी 24/36, अक्स माइनस 5/6 की स्क्वायर बराबर 25 में 1/36, और यहां से इस कागज देंगे आगे भेज देंगे, इस स्क्वायर को आगे भेजिए तो रूट भी बदल जाएगा, 5/6 √1/36 प्लस माइनस, उत्तर किसके आएंगे प्लस माइनस के आएंगे ना, एक्स माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो एक्स के दो बार आ जाएंगे ना, एक बार तो प्लस का लेंगे एक बार माइनस का, यानी प्लस लेने पर एक बार प्लस का लेंगे एक्स माइनस 5/6, और हमने क्या कर लिया प्लस का ले लिया, जब ये आ गए अब इसको सोल्व करेंगे। ये आगे जाएगा तो प्लस का होगा, क्योंकि माइनस का आगे जाएगा तो प्लस का होगा, एक्स बराबर 1/6 प्लस 5/6 एक्स बराबर लघुत्तम कितना आ गया 6, ऊपर वाला शेन का शेन 6/6 और कितना गया 1, एक्स बराबर कितना गया 1, एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे, माइनस लेने पर और माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी एक्स माइनस 5/6 और बराबर आपके बारे में क्या कर लिया 1/6 माइनस का ले लिया, और यहाँ पे हमने किसका लिया था प्लस का लिया था, अब ये आगे जाकर तो किसका हो जाएगा, ये तो प्लस का ही होगा, लघुत्तम लेंगे माइनस 1 + 5 4/6 / 2/3 अक्ष बराबर 2/3। अतः द्विघात समीकरण में अक्ष बराबर या समीकरण के अभिष्ट मूल क्या होंगे 1/6 और 2/3 होंगे। लास्ट में क्या लिख सकते हो, समीकरण के मूल अक्ष बराबर 1/6 तथा 2/3, यानी दो मान आ गए ना, पीछे हम गुणनखंड विधि से कर रहे थे, ये किससे कर रहे थे पूर्ण वर्ग विधि से। देखो एक दो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो क्या है,
अगला क्वेश्चन है दूसरा, पांच एक्सिस पर, यानी या तो जब पहला पद लिख वही पता लग जाना चाहिए आपको, सबसे पहले हम किसका भाग देंगे समीकरण में दोनों तरफ, यानी पांच का करना पड़ेगा क्योंकि एक्सिस पर का गुणांक क्या है, पांच ही तो है, तो देखो दोनों पक्षों में किसका भाग देंगे पांच का, क्योंकि इकाई बना रहा है, दोनों पक्षों में पांच का भाग देने पर पांच एक्स स्क्वेयर माइनस छह एक्स माइनस दो, यानी इस साइड में पांच का भाग दे देंगे, इस साइड में पांच का भाग दे देंगे, पांच एक्स स्क्वायर बटे पांच अलग अलग लिखेंगे माइनस सिक्स बटे पांच और दो बटे पांच बराबर जीरो बटे पांच, अलग अलग लिख दिया पांच से पांच क्या हो गया कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर अकेला आ गया माइनस छह बटे पांच एक्स माइनस दो बटे पांच और यह क्या हो जाएगा जीरो। अच्छा पद को कहां भेज देंगे आगे, एक्स स्क्वायर माइनस छह बटे पांच एक्स और इसको आगे भेजेंगे प्लस का दो बटा पांच, यानी हमारे पास ये आ गया इसका। अब एक्स के गुणांक लिखोगे तब ज्यादा समझ में आएगा, बोलने से समझ में आएगा, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है छह बटे पांच, छह बटे पांच का आधा, आधा क्या होगा आधा होगा तो हम किसका भाग देंगे दो का भाग देंगे ना, मतलब आधे के लिए हमेशा दो का भाग देंगे और ये तीन बार कट जाएगा, तीन बटे कितना हो जाएगा पांच ही तो होगा ना, एक्स का गुणांक छह बटे पांच का आधा तीन बटे पांच का वर्ग, अब इसका क्या करेंगे वर्ग ना, और वर्ग क्या होगा पांच बटे तीन स्क्वायर का वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यानी जो एक्स का गुणांक होता है उसी का सबसे पहले आधा करते हैं, उसी का वर्ग करके दोनों साइड में क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, यानी दोनों पक्षों में जोड़ दो, जोड़ देंगे एक्स स्क्वायर माइनस छह बटे पांच एक्स, यानी इस साइड में जोड़ देंगे कितना तीन बटे पांच की स्क्वायर बराबर दो बटे पांच, इस साइड में जोड़ देंगे तीन बटे पांच की स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या लेंगे एक्स साइड किसका माइनस का, और यहां से कितना लेंगे तीन बटे पांच की स्क्वायर, जब इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो यही आ जाएगा कि देख लेना बराबर, इसको सोल्व करो दो बटे पांच अलग तीन या नौ पंचो पच्चीस एक्स माइनस तीन बटे पांच की स्क्वायर बराबर लगभग तो कितना रहा पच्चीस, दो को किससे पांच से, नौ को किससे एक से, एक्स माइनस तीन बटे पांच की स्क्वायर पांच हुई दस, नौ एकम नौ बटे पच्चीस इसको हमने काम डाले ऊपर उतार दे रहे दस सौ प्लस नौ कितना गया उन्नीस हो गया। अब यहां से हमें एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना स्क्वायर को कहां भेज देंगे आगे भेज देंगे और स्क्वायर आगे जाएगा तो किसमें बदल जाएगा रूट में उन्नीस बटे पच्चीस, यानी उन्नीस का रूट पच्चीस का रूट दोनों का रूट, अब बताओ उन्नीस का रूट उन्नीस ही रहेगा क्योंकि मान नहीं आएगा और रूट पच्चीस का मान कितना हो जाता है पांच, अब किसमें मान आएगा प्लस माइनस का आएगा, एक बार तो हम प्लस का लेंगे एक बार माइनस का लेंगे, यानी हमारे पास ये मान आ गया क्योंकि 25 का तो 5 आ गया 19 का कोई होता नहीं तो 19 का 19 ही रहेगा रूट 19 का 19, एक बार प्लस लेंगे प्लस लेने पर एक्स माइनस तीन बटे पांच बराबर प्लस का रूट 19 बटे पांच एक्स बराबर माइनस का भी जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तीन बटे पांच लगभग कितना आ गया
आगे बढ़ते हैं। लघुतम कितना है? पांच और यहां उन्नीस प्लस तीन, रूट उन्नीस प्लस तीन, उन्नीस रूट प्लस का तीन। एक बार किसका लेंगे? माइनस का लेंगे, लेंगे ना, यानी माइनस लेंगे पर माइनस लेने पर एक्स माइनस तीन बटे पांच और माइनस उन्नीस बटे पांच सोल्व कर लेंगे, आगे जाए तो प्लस का हो जाएगा, उन्नीस बटे पांच और ये आगे जाए तो प्लस का लघुत्तम कितना है? पांच, तीन तीन पहले लिख लो, माइनस वाला बाद में, यानी एक्स के हमारे मान हमारे दो आ गए ना, यानी इसको पहले लिख सकते हैं की बात है, यानी समीकरण के मूल, समीकरण के मूल एक्स बराबर, इसको पहले लिखने की बात, तीन प्लस रूट उन्नीस बटे पांच तथा तीन माइनस रूट उन्नीस बटे पांच होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चार एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस पांच बराबर जीरो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक चार है तो दोनों तरफ चार का भाग देंगे, चार का भाग देंगे ना, यानी दोनों पक्षों में चार का भाग देने पर इन दोनों साइड में चार का भाग दे दो तो चार एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस पांच, चार का भाग दे दिया, इस साइड में हमने किसका भाग दे दिया? चार का। अलग अलग लिख देना है सभी को, इसका मान कितना हो जाएगा बाद में लिख दें, जीरो बटे चार। अब देखो चार से चार कैंसिल है, एक्स स्क्वायर प्लस तीन बटे चार एक्स प्लस पांच बटे चार, इसका मान जीरो। अचर पद को कहां भेज देंगे? आगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस तीन बटे चार एक्स, या आगे जाके तो माइनस का पांच बटे चार। अब एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे ना, यानी एक्स के गुणांक, अब मैं लिखूंगा नहीं सीधा लिखूंगा, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यानी एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर एक्स स्क्वायर प्लस तीन बटे चार एक्स, और एक्स का गुणांक का आधा तीन बटे आठ आ जाता है ना, और तीन बटे आठ का हम क्या करेंगे वर्ग ना, दोनों पक्षों में क्या करेंगे जोड़ रहे हैं, माइनस पांच बटे चार तीन बटे आठ की स्क्वायर। इसे सोल्व कर लो, इसका मान कितना आएगा? ये प्लस का, ये प्लस का, तो यहां से तो एक्स प्लस यहां से तीन बटे आठ की होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा बराबर माइनस पांच बटे चार प्लस तीन दिया नौ आठ बट नौ चौसठ, एक्स प्लस तीन बटे आठ स्क्वायर बराबर लघुत्तम कितना गया? चौसठ माइनस पांच को किससे गुणा करेंगे? चार पंचा चार अठारह, चार एकम चार कितना बचा? दो, चार छठी चौबीस सोलह, सोलह तक चौसठ, यानी सोलह से करेंगे और नौ को किससे करेंगे? एक से ना, एक्स प्लस तीन बटे आठ स्क्वायर छठ में जो तीस, तीन पांच तीन आठ माइनस अस्सी नौ एकम नौ बटे चौसठ, एक्स प्लस तीन बटे आठ इस साइड में बटे, एक्स प्लस तीन बटे आठ की स्क्वायर बराबर माइनस इकहत्तर बटे चौसठ। अब यहां पे देख लो,
यही तो कौन सा भाग है, बी और बाया, ये कौन सा है दाया, और दाया भाग क्या गया ऋणात्मक। जब भी बाया भाग दाया भाग ऋणात्मक आ जाता है तो अक्ष के मूल क्या नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, यानी अक्ष के मूल नहीं आएंगे, निकलेंगे नहीं, अक्ष के मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी दाया भाग भाग ऋणात्मक है, क्या है ऋणात्मक है। देखो ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में ऋणात्मक नहीं आया, जब यहां तक सोल्व किया उससे मतलब वो ऋणात्मक नहीं आया, पहले जरूर माइनस का था परंतु यहां पे आया था प्लस का बन गया था वो। तो यहां आने के बाद देखो अब सिर्फ आगे लेके जाएंगे तो रूट, और इसका रूट करेंगे तो माइनस का है, दाया भाग क्या है ऋणात्मक है। तो अक्ष के मूल वास्तविक नहीं है, बस इतना करके छोड़ दो, आगे मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, यानी अक्ष के मूल क्या नहीं है, वास्तविक नहीं है। इससे अगला क्वेश्चन है 4 + 4√3 = 3 बराबर में 0। हाँ यही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अक्ष स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाएंगे, और इकाई बनाने के लिए दोनों तरफ किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अक्ष स्क्वायर प्लस रूट तीन, देखो दे देते हैं दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, इन 4 का भाग दे दो दोनों साइड में, और 4 का भाग देंगे दोनों साइड में, एक स्टेप कम हो जाएगी, जल्दी जल्दी करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, यहां क्या बचा अक्स स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल, यहां क्या बचा रूट तीन अक्स प्लस यहां 3/4 बराबर 0। ये अक्षर पद का गुणांक ये अक्स स्क्वायर, अक्षर पद को कहां भेज देंगे, आगे भेज देंगे, अक्स स्क्वायर प्लस रूट तीन अक्स बराबर माइनस रूट 3/4। अब अक्ष के गुणांक का आधार, अक्ष के गुणांक, अक्ष का गुणांक क्या है रूट तीन का आधा, आधा करने के लिए कितना किसका भाग देते हैं, 2 का भाग का आधा, तीन के आधे का वर्ग, आधे आधे कितना 3/2 का वर्ग, को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, इन दोनों पक्षों में क्या कर देंगे जोड़ देंगे ना, यानी इस साइड में जोड़ देंगे इस साइड में जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस रूट तीन एक्स प्लस कितना जोड़ेंगे रूट 3/2 की इसके माइनस 3/4 इस साइड में जोड़ देंगे रूट 3/2 की इसके, हम एक नीचे वाले को काट देता हूं बाकी इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहां से तो एक्स प्लस प्लस है तो एक्स प्लस यहां से रूट 3/2 की होल स्क्वायर, यानी इसको सोल्व करेंगे तो लिखे आएगा करके देख लेना सर, इसको सोल्व करेंगे यानी एक्स प्लस रूट 3/2 की होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो ये आएगा बराबर में माइनस 3/4 प्लस रूट 3, रूट 3 को करें रूट 2, रूट 2 का मान कितना होता है 3 और 2 दूनी 4 कैंसिल, कैंसिल हो गया ना, एक्स प्लस रूट 3/2 की स्क्वायर बराबर क्या है 0, और इस स्क्वायर को 0 के ऊपर लेके जाएंगे तो रूट और 0 का रूट क्या होता है 0 ना, तो एक्स प्लस कितना बचा रूट 3/2 और बराबर में 0 क्योंकि स्क्वायर आगे रूट में तब्दील और 0 का रूट क्या था 0, अब यह आगे जाएगा ना एक्स बराबर माइनस रूट 3/2। इसका मतलब जब एक्स का मान, देखो यहां पर एक्स का मान जब रूट 3/2 एक ही था इसका मतलब दोनों बार रूट 3/2 माइनस रूट 3/2 ही आएगा, अतः
समीकरण के मूल माइनस रूट तीन बटे दो माइनस रूट तीन बटे दो होंगे, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है ना आप करना, पांचवा क्वेश्चन आप करना, कोशिश जरूर करना, मैं बता दूं कब पांचवा, आप भी करते रहिएगा पांचवा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन है दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस चार, यानी खुद कर रहा हूं, दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का चार होगा फिर जीरो, ये आपके लिए ठीक है ना, ये आपको करना है और कल मैं बता दूंगा।